पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हूं और इस महाराष्ट्र प्रांत का प्रभारी हूं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश के अंदर जन कल्याणकारी कार्यक्रम करके पूरी देश और दुनिया को बता दिया है कि शासन कैसे चलाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाया जाता है। इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर माननीय बहन जी ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलाए थे, साथ साथ जो है पूरी तरह से जो जन कल्याणी कार्यक्रम किए थे, उन्हीं सारी बातों को हम महाराष्ट्र के अंदर भी चाहते हैं और इसलिए महाराष्ट्र में 237 कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने खड़े किए हैं, जिसमें इस नागपुर उत्तर से हमारे जो है मनोज संगोड़े जी, जो वर्तमान में जो है इधर के जो है पार्षद भी हैं और एक बार नहीं 5-5 बार अलग अलग क्षेत्रों से पार्षद रह चुके हैं, ऐसे प्रत्याशी का चयन बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, जिले के अध्यक्ष हमारे लांजीवाल जी और इधर के सारे हमारे जुम्मेवार जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इधर के जितने भी हमारे पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान के पार्षद हैं, उन सारे लोगों ने मिलकर इनको जो है इधर का प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करके आए हुए हैं और पूर्णतः मैं आशान्वित भी हूँ कि ये नागपुर उत्तर विधानसभा मनोज संगोड़े जी चुनाव जीत के जाएंगे, विधायक बनेंगे। मैं यहाँ पर अभी नागपुर में कल से आया हुआ हूँ और नागपुर उत्तर में मैंने जो भ्रमण किया है और नागपुर के अंदर और जो देखा हुआ हूँ, साथ में मेरे जो है प्रदेश के अध्यक्ष है एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, जिले के अध्यक्ष लांजेवाल जी और पूरे इधर के पार्षदगण सभी लोग रहे हैं, ये देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हुआ हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार नागपुर उत्तर निश्चित रूप से जीत रही है और मनोज संगोड़े विधायक बनने जा रहे हैं। परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश में ये इलेक्शन हम महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। सम्माननीय आदरणीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी ने अभी आपको बताया है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी तैयारी करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सीट के ऊपर 2014 में हमारे कैंडिडेट को 55,000 से ज़्यादा वोट मिला था और बहुत कम वोटों से हम लोग हारे थे। हमारी जो स्थिति, हमारी जो तैयारी उस समय थी, आज हमारी तैयारी उससे कई गुना ज़्यादा है और हमें कैंडिडेट भी बड़े अच्छे मिले हैं, जो 5-5 बार के यहाँ के पार्षद हैं, वो एक लोकप्रिय कैंडिडेट है। लोगों के बीच में जाके काम करना, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, उन्होंने ऐसे कई उपक्रम किए हैं जिसके माध्यम से आज हम बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी उनके सामने इस बार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये वर्कर हैं, वर्कर का साथ देना यहाँ की जनता जानती है, ये उन्होंने अपने कार्यक्रम से ये दिखा दिया है कि 5 बार जब वो खड़े रहे अलग अलग प्रभागों में तो कभी वो हारे नहीं हैं। उन्होंने अपना काम की छवि, अपने काम के माध्यम से अपना कर्म की छवि दिखा दिए हैं और कई ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हैं जो उन्होंने किए हैं और इसलिए मुझे ये विश्वास है। हम लोग जब आज घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, उत्तर नागपुर में हम गली गली कुचे कुचे गए, नुक्कड़ पे गए, लोगों से बात किए, तो हमें ये लग रहा है कि आज जनता, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, आज जनता काम करने वाले प्रत्याशी का साथ देने के लिए तैयार हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर नागपुर से अपना खाता खोलेगी। माने जी की मेरे से क्या टक्कर रहेंगी? माने जी एक कारपोरेटर का इलेक्शन हार गए, पहली बार नए नए थे इसलिए सहानुभूति मिली उनको, तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुन के दिया गया कि आमदार नितिन राउत से ऊब गए थे लोग, इसलिए चुन के आए, तो वो क्या टक्कर देंगे? मेरी टक्कर मेरे काम से है, मेरे काम वाले लोग जो है मेरे काम की कीमत करेंगे, तो कौन हार रहा और कौन जीत रहा ये मेरे को मालूम नहीं, पर मैं काम कर रहा और मेरे को जो वोटर वोटिंग देंगे वो उनकी जीत रहेंगी और फिर उनके जीत के बाद जो काम वो बताएंगे वो काम मैं करूँगा। इन्होंने, ये दो डॉक्टर थे, एक डिग्रीधारी डॉक्टर था तो 150 बेड का दवाखाना बनाया बोले, लेकिन एक भी बेड नहीं आया। उन्होंने बोले कि मैंने लाइब्रेरी बनाया तो लाइब्रेरी में फर्नीचर और किताबें कॉपी नहीं आया और बच्चे कहाँ पढ़ रहे वो दिख नहीं रहे। दूसरा डॉक्टर MBBS था, हमको लगा कि वो एम्स सरी का हॉस्पिटल बनाएगा लेकिन वो भी नहीं बना पाए।
दोनों के पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने एक 30 बेड का हॉस्पिटल बनने नहीं दिए। जगह मंजूर थी, पैसे मंजूर थी, स्वर्गीय रतन जी टाटा इन्होंने 10 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को दिए थे, तो वो मेरे को फ्लैट मिला था, मैं पूरा डिजाइन बनाया था और जगह भी ढूंढा था, मौजा नारी एक खसरा नंबर 108 और 109 में सब डॉक्यूमेंट्स है, पैसे भी पड़े हैं। तो उसके लिए राधा कृष्णन साहब भी आए थे और मनोज कुमार सूर्यवंशी भी आए थे सभापति। तो ये जो काम रोकने का ये लोग करते हैं, तो इनको इनकी जगह जनता जो बताएंगी। मेरे जमाने में मेरे प्रत्यक्ष रहते हुए मैंने सबको आह्वान किया कि इतना अच्छा हॉस्पिटल अपन बनाने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दिए। तो अब फिर बीच में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी वालों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय के सामने में 500 करोड़ मिले मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, इलेक्शन घोषित हो गया। तो दोनों पार्टियाँ झूठ बोलने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब महाराष्ट्र की विधानसभा में अपना अधिकार जताया, उनके पास में लोकसभा भी थी, इन्होंने कभी कोई भर्ती नहीं ली, कोई भी मिनिस्ट्री की भर्ती नहीं हुई, आपने भी देखे होंगे। इन्होंने कपड़े कुंते पहनना, खाना कुंता खाना ये लगा दी है। कांग्रेस वालों ने एजुकेशन ख़त्म करवा दिए, कॉरपोरेशन की स्कूलें ख़त्म करवा दिए, और हमारे साथ वाले जो अभी डॉक्टर डिग्री धारक ये 5 बार के मिनिस्टर बने, जेल मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर, कामगार मिनिस्टर, दारूबंदी मिनिस्टर, ऊर्जा मिनिस्टर, अब 5 बार के मिनिस्टर बनने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में कोई भर्ती नहीं लिए। अरे सादा का पालक मंत्री रहने के बाद में ये जो पीली नदी उनके यानी एरिया में आ रही उत्तर नागपुर के, उसके दीवाले नहीं बना पाए, उनके दीवाले सुरक्षा दीवाल के पास लोग झुग्गियों में रह रहे, कब बह जाएंगे कोई गारंटी नहीं। उनके ज़माने में 9 लोग समता ना करके बह गए, तब उन्होंने पुलिया बनाया, मैंने तो 3 पुलिया पहले बनाया, नदी की चौड़ी कर दिया, तो पुलिया अभी बनाया। और अगर विधायक चुन के आता हूँ तो एम सरी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बनाऊँगा दवाखाने, लोगों का विरोध भी होगा तो उनको मैं समझ सकता हूँ। दूसरी बात, इंजीनियरिंग कॉलेज लाऊंगा सरकारी, नहीं आने देंगे तो जो संबंधित मिनिस्टर को पहले बोल दूंगा प्रेम से, मुख्यमंत्री को भी बोलूँगा कि भाई समझ जा, कहाँ आएगा तू, हिवाड़ी अधिवेशन में आएगा तो फिर समझ लेना कि मैं क्या चीज़ हूँ, कद छोटा हो जाएगा फिर मत बोलना। तो मैं वो इंसान हूँ ना, कोई काम से डरता हूँ और लोगों के जो बातें सुनता हूँ, मेरे को इतने प्रेम से बगैर पैसे से चुन के लाए 5 बार, तो जिंदे काम तो अभी भी है मेरे वाले। मैंने 4 स्कूलें बनाए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बनाए कि नहीं, 6 लाइब्रेरियाँ बनाए, बच्चे पढ़ रहे, मसन घाट बनाया, 2 दवाखाने बनाए, सब चालू है। इनकी ओपीडी चालू रही थी सिर्फ, भर्ती कहाँ है डिग्री धारक का दवाखाना, और ये दवाखाना तो बेचने जा रहे थे कॉरपोरेशन के दवाखाने, उनका एक डॉक्टर है उनको दे दिया उन्होंने 5 पौली का सूती का घर। तो ये प्राइवेटिज्म करने वाले लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, दोनों पक्ष हमारे एरिया के लोगों के वोट पे डकैती डाल रहे, चोरी कर रहे, इनका हिसाब हमारी जनता देने वाली है। वो किस तरीके से देंगी वो खुद जनता सोचेंगी, मैं कौन होता हूँ सोचने वाला, मैं तो उनके लिए अच्छा काम करने के लिए खड़ा हूँ। जनता इतनी अच्छी है, इस बार समझदारी से वोट देंगी और अपने कामों के लिए, उनके खुद के कामों के लिए चुन के देंगी, इसमें कोई शक नहीं। नागपुर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रतिनिधित्व किए हैं, अभी तक के उत्तर नागपुर के लोग जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको पट्टे वाटप नहीं किए इन लोगों ने। और दूसरी बात कैसा है उम्मीदवार, और यह नागपुर समाचार 24 का तो छोड़ो, थोड़ा कट कर लेना, और आपको बताता हूँ कि जो दोनों पार्टियाँ के उम्मीदवार हैं और उनके भाई बंद हैं और पदाधिकारी है, ऐसे गली के लीडरों को और गली के पत्रकारों को पकड़ के अफवाह फैला रहे,
वो अफवाह के बारे में मैंने गली के लीडरों को बोल रहा हूँ और पत्रकारों को जो ऐसी गलत सलत भावनाएं बता रहे हैं और लोग उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने रिपोर्ट भी डाल दिया कहाँ पर, कपिल नगर के पुलिस स्टेशन में। अभी मैं जाके कलेक्टर को भी दे रहा हूँ एक लेटर और इनको भी दे रहा हूँ पुलिस कमिश्नर को कि भाई इनको छोड़ते गाय को, इनको जो जेल के अंदर में संडास है वो सभा करने के लगा, वो बहुत बड़ी उसकी जेल में उनकी सबसे बड़ी शिक्षा रहेगी। ऐसे लोग उनको नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो इस बात के हूँ। और मैं वो आदमी हूँ कि मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा दारू की दुकानें इन्हीं के वक्त आए जो दारू मिनिस्टर थे डिग्रीधारी। तो ये ऐसे डॉक्टर दोनों को झोला झाप डॉक्टर रहेंगे ऐसा समझता हूँ, नहीं तो लोगों के हित में काम किए रहते इन्होंने, डॉक्टर रहते थे तो क्या है, गटर लाइन रोड और रास्ते तो ये कारपोर्टर भी काम करते हैं। इन्होंने दो हाथ को काम मिलना चाहिए करके उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहिए था काश्तकारों की, क्या कोराडी महादूला नारा नारी वांजरा वांजरा वांजरी और खसड़ा मसड़ा, ये ज़मीनें काश्तकारों की एक्वायर की है लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आने दिए। अभी वो बिल्डरों के पास में है पूरे ज़मीनें, तो क्या ऐसे लोगों को चुन के देंगे? अभी लोगों को मालूम नहीं था इसलिए अभी मालूम करा दे रहा हूँ। मैं पूरे सबूत रखता हूँ, सबूत के सिवा कोई बात नहीं करता गलत सलाह।